राम सिद्धि सब सियाय सुअकनी गई जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुख सुर पुर भोग बिलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवास था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलू के बराती सोरे सुख सकल सुलभ सब भांति। अभिभाव भेद कछु को ना जाना सकल जनक कर करहिं बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान ना सका, सब जानकी जी की बड़ाई कर रहे हैं चिरम। ये महिमा कर रघुनायक जानी हर से हृदय ही तू पहचानी। पितु आग मनु सुनत दू भाई हृदय अति आनंद समाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कह न सकत गुरु पाही पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी उपजा और संतोष बिसेखी। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। रामा हरसि बंध दो हृदय लगाए पुल के अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे मनहु सरोवर तक्यो प्यासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। वे उस जनवासी को चले जहाँ दशरथ जी थे मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बेलो के जब ही मुनि आवत सुतन समेत उठे हरस सुख सैंधो महो चले था है किसी लेत। लखन से रामचंद्र की जय। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था ऐसी लेते हुए चले। अर्मोने ही दंडवत कीन महिषा बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउलिए और लाई कहे आशीष पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी के मुनि की चरण धूलि को सिर पर बारंबार चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। मुनि दंडवत करते दो भाई देखि नृपति और सुख न समाये। सुत ही लाए दुसह दुख मेटे मृतक शरीर प्राणु जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुसह दुख को मिटाया मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। हरे पुनि बस पद से रहते नाये प्रेम मुदत मुनि बरे और लाए। वे प्रबंध बंदे दो भाई मन भावती आशीष पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम नम किया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए।
भरत सहानुज कीने प्रणाम लिए उठाए लाए और राम हरषि लखन देखे दो भ्राता मिले प्रेम परिपूरत गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सह श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उन्हें गले लगा लिया। पूरे जन पारी जन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जथा विधि सब ही प्रभो परम कृपाल विनीत। लखन श्री रामचंद्र की जय। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों कुटुंबियों जाति के लोगों याचकों मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखे बरात जुड़ानी प्रीत किरीत न जाति बखानी नब समीप सोहीं सुत चारी जनु धन धर्मादिक तनु धारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी मुदत नगर नर नारी विशेखी सुमन बरस सुर हनहिं निशाना नाटकनी नाचहिं करि गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गागा कर नाच रहे हैं। सतानंद अरुब प्रसचोगन मांगद सूत विदुष बंदी जन सहित बरात राउ सन मानाया यस मांगी फेरी अगवाना। अगवानी में आए हुए सदानंद जी अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण मांगल सूत विद्वान और भाटों ने बारा सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई ताते पुर प्रमोद अधकाई ब्रह्मानंद लोग सब लही बढ़ई दिवस निस विधि सन कही। बारात लगन के दिन से पहले आ गई। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए। राम सी शोभाय अवधे सुकृत अवधे दौरा जहाँ तहाँ पुर जन कहीं अस मिले नर नारी समाज। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।